नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने कभी सुनी नहीं होगी और ना ही किसी प्रकार के ऐसे टाउनशिप के अंदर चीज़ें ये आई हैं। तो आज मैं एक ऐसी टाउनशिप के बारे में बात करने वाला हूँ जो अभी अपकमिंग आनी है, और ये जो टाउनशिप की जो अगर लोकेशन की मैं बात करूँ तो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन के अंदर ये आ रही है, जहाँ पे हर कोई डिमांड करता है प्रॉपर्टी लेना। और ये अगर मैं बात करूँ तो ये एक्सटेंशन रोड की मैं बात कर रहा हूँ कि एक्सटेंशन रोड पे एक बहुत ही गजब की टाउनशिप आने वाली है अभी आगे, और ये होगी एक लो राइज फ्लोर्स की टाउनशिप आने वाली है जिसमें बहुत कुछ अलग है। अगर मैं खुद आपसे ये जानना चाहूँ कि क्या किसी टाउनशिप के अंदर आपने 70+ टू साइड ओपन प्रॉपर्टी देखी है, या टू साइड ओपन प्लॉट्स देखे हैं, या टू साइड ओपन फ्लोर्स आपने देखे हैं, 75% के अराउंड आते हैं, तो मेरे हिसाब से ये किसी में नहीं होगी। आप भी अपनी राय दे कि आपने किस टाउनशिप के अंदर ये देखी है। तो अभी तक जितनी भी आपने टाउनशिप देखी हैं, उन टाउनशिपों में आपने 9 मीटर रोड देखे होंगे, 12 मीटर रोड कहीं नहीं देखे होंगे। तो इस टाउनशिप में आपको 12 मीटर रोड देखने को मिलते हैं। इससे प्रॉपर्टी में एक बेनिफिट और मिलता है, इसमें है ना थर्ड और फोर्थ फ्लोर के साथ आपको रूफ राइट है वो प्रोवाइड किया जाता है। ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको बेटर जरूर कर दूंगा, अच्छी जरूर कर दूंगा, अगर आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट देखना चाहते हो। क्योंकि एक्सटेंशन रोड के ऊपर अगर आज के टाइम अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी बहुत हाई रेट हो चुके हैं। जहाँ तक अगर मैं पर स्क्वायर फीट की बात करूँ तो 17-18 हज़ार नॉर्मली प्राइस हो चुका है। अब इस टाउनशिप का मैं अगर कंपेरिजन करूँ कि जो एक्सटेंशन रोड पे जो लो राइज के जो टाउनशिप आई, जैसे कि स्मार्ट वर्ल्ड लगा लो, सिग्नेचर लगा लो, या अडानी के फ्लोर्स लगा लो, समसारा वाले फ्लोर्स लगा लो, तो उनसे कई गुना बेटर ये टाउनशिप आने वाली है। क्योंकि इस टाउनशिप में पहली बार तो आपको 12 मीटर के रोड मिलते हैं, ठीक है, और जल्दी इसके अंदर पेमेंट प्लान, बहुत ही खूबसूरत पेमेंट प्लान आने वाला है जो कि बाकी टाउनशिपों के अंदर नहीं था। तीसरी चीज़ ये कि ये बहुत ही अच्छी लोकेशन के अंदर ये प्रॉपर्टी आती है, और इस प्रॉपर्टी के अंदर क्लब हाउस है वो भी बहुत बड़ा आने वाला है, और इसके अंदर जो आपकी एमिनिटीज वगैरह देखेंगे तो आपको अल्ट्रा लग्जरी के तौर पे ये टाउनशिप मिलने वाली है। और इसके अंदर अगर देखा जाए तो आपके बैंक लोन, जैसे कि SBI बैंक या अदर से ये प्रॉपर अप्रूव्ड ये टाउनशिप आपको मिलने वाली है, आप बाई लोन भी जा सकते हैं। अभी अगर हम वैसे एक्सटेंशन रोड के ऊपर अगर लो राइज की टाउनशिप देखें तो आपको 2.5 से 3 करोड़ में चीज़ें जाके मिलती, क्योंकि उससे नीचे कुछ है नहीं। अगर मैं एक जैसे सिग्नेचर ग्लोबल है, सिग्नेचर ग्लोबल 63A में है जो कि पीछे जाके रोड के ऊपर पड़ता है, वहां भी 2 करोड़ प्लस की चीजें आपको प्रोवाइड होती हैं। तो उससे बेटर लोकेशन के अंदर ये चीजें हैं, अच्छी चीज है। बगल में स्कूल्स अच्छे हैं, बगल में कनेक्टिविटी अच्छी है, बगल में बहुत फैमिली आसपास रहते हैं, कमर्शियल अच्छे एक्टिविटीज आसपास हैं। तो आप एक प्रकार से ये समझ सकते हैं कि अगर आप आज एक अच्छे टाइम के ऊपर आप प्रॉपर्टी के अंदर एंटर हो रहे हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी आपको बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे ROI देके जाएगी। लेकिन वही होता है कि हम जितना डिले इन्वेस्टमेंट के अंदर घुसते हैं, ROI की जो संभावना है वो आपकी हमेशा कम हो जाती है। तो आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट करते समय आपको आपका जो टाइम है, जो एंटर होने का जो टाइम है, वो आपको चेक करना है कि क्या आप जिस टाइम पे प्रॉपर्टी के अंदर एंटर हो रहे हो क्या वो टाइम सही है, क्या वो रेट सही है, क्या आप उस टाइम जिस टाइम आप प्रॉपर्टी बाय करने जाते हो तो क्या उस टाइम का जो पेमेंट प्लान है क्या वो आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर बेटर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं। और अगर मैं बात करूं एक्सटेंशन रोड के ऊपर तो एक्सटेंशन एक रीवैम्प होने वाला है, क्योंकि जितने भी रेड लाइट है या जहाँ भी आपकी क्रॉसिंग है वहीं पे आपके फ्लाईओवर हैं वो आपके बनेंगे। वाटिका चौक के ऊपर ऑलरेडी आपका अंडरपास का काम है वो चल रहा है, जल्दी ही 2 से 3 महीने में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। और एक्सटेंशन रोड के ऊपर आप ऑलरेडी रैपिड मेट्रो रूट है ये, जो सेक्टर 55-56 वाली है, फ्यूचर के अंदर आपकी ये रैपिड मेट्रो है इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और एक्सटेंशन रोड पे DLF जैसे अच्छे डेवलपर यहाँ पे आ चुके हैं। DLF आर्बर अभी पीछे आया था, उनका जो रेट है अभी 18 से 20 हज़ार रुपये पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लॉन्चिंग थी 17.5 से 18 हज़ार रुपये की लॉन्चिंग थी, यूनिट नहीं मिल पाई थी। अभी अपकमिंग और भी कई अच्छे डेवलपर्स हैं जो अच्छे अच्छे रेट लेके आ रहे हैं, लेकिन इस टाउनशिप का रेट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, और आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, एक अच्छे रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे चीज़ें ले सकते हैं। डायरेक्ट मेजर कनेक्टिविटी आपकी यहाँ पे बढ़ती है। एक्सटेंशन रोड के रिगार्डिंग सेक्टर 58 से लेके सेक्टर 67A तक मैंने इंटरनली डेवलपमेंट के बारे में, इन सेक्टरों के बारे में प्रॉपर तरीके से डीपली से
समझाया हुआ है, आप वो वीडियो जरूर देख सकते हैं, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों और ज़्यादा जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मेरा कम्युनिटी ग्रुप और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ताकि अपडेट न्यूज आपको टाइम पे मिलती रहे। तो दोस्तों अगर इस टाउनशिप के रिगार्डिंग अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मिल सकते हैं, मेरे ऑफिस आ सकते हैं, आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे एक बार आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।